कटनी के जिला जेल में लगभग 10 महीने से 376 के आरोप में बंद धर्मेंद्र पटेल नाम के विचाराधीन आरोपी की मौत हो गई। इसे कल शाम उपचार के लिए जेल से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसे देखने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जुडिशियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कैदी था जिसे उपचार हेतु झिंझरी जेल से शासकीय अस्पताल कटनी लाया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हुई है और उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ मारपीट की गई है, जिसके लिए जांच की जा रही है। जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश हो गए हैं, मजिस्ट्रेट लोग जांच कर रहे हैं। जैसा जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं के तहत बंद किया? वो 376 का आरोपी था। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मेंद्र ठीक ठाक था और कल रात में अचानक पुलिस वाले आकर सूचना देते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, और जब अस्पताल आकर पता चला कि उसकी मौत हो गई। ना तो वो बीमार था और ना ही कोई दिक्कत थी। उसकी हत्या की गई है और पूरा मामला संदिग्ध है। हमारा लड़का भर यहाँ बंद था जेल में, 10 माह हो गए बंद हुए। हमारा भनेज है, हमारा लड़का नहीं है, हमारे घर में रहता था छोटे से। हम उसको पढ़ाए लिखाए हैं, उसकी शादी विवाह की है, उसके बच्चा भी है, एक बहू है। तो जब हमको पहले खबर नहीं थी, ना बीमार की खबर थी, ना कुछ भी खबर थी। हमारी 2-3 दिन में उनसे बात भी हो जाती थी जेल से। कल जब हमारी बहू बताई कि पुलिस आई थी, तो हमसे कोरे कागज में साइन करवा गई। तो हम बोले किस बात की साइन? तो बोलती है कि हमको कुछ नहीं बताए, कागज कोरा था, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। हमसे बोली कि दस्तखत कर दो, हम दस्तखत कर दिए। फिर इसके बाद 8 बजे पुलिस जाती है, 8:30 के बीच में, तो पुलिस बोलती है कि तुम चलो, तुम्हारा पति बीमार है तो चल के वो कर लो, सेवा कर लो हमारे बहू को। जब हमारा लड़का बीमार था तो उनको जब 5 बजे साइन करवाने गए, तब उनको बताना चाहिए था कि तुम्हारा पति बीमार है, चल के सेवा करो। यानी कि हमारा कहना ये है, हमारे समझ में ये आता है कि जब हमारा लड़का मर गया, इसके बाद हमारे घर गए हैं साइन करवाने, और फिर बाद में गए हैं कि चलिए सेवा कर लो। कल उसकी डेथ हो गई है। कहाँ पर हुई? डेथ कहाँ हुई ये हमको पता नहीं। जेल के अंदर हम जानते हैं, जेल के अंदर हुई, हॉस्पिटल में ला के रख दिए हैं। डेथ जेल के अंदर हुई है, उसके यहाँ मारा गया है, निशान भी लगा है उसके, उसको मारा गया है। और उसकी उसको वो हॉस्पिटल आया है 5:30 बजे, और डेथ हुई है 5:30-6 के अंदर हुई है डेथ। हमारे पास खबर जा रही 9:30 बजे रात कि तुम्हारा, अब वो भी लेडीज थी घर में, हम जेंट्स कोई नहीं थे घर में, लेडीज थी घर में। वो जाकर पुलिस जाकर का बोली है कि तुम जाओ अपने लड़के की सेवा कर लो, मरने के बाद लड़के की सेवा कर लो। पुलिस बोलती है हमको कि मर गया है, ये नहीं बताती कि मर गया है, बोलती है तुम लड़के की सेवा कर लो जाके। और 4 बजे उसी कल पुलिस कहती है पंचनामा बनाओ, पोस्टमार्टम करवाओ। हम कैसे करवाएं पोस्टमार्टम? होगा जब जेल में अंदर थे वो, तो किस बात का? किस बात? हाँ, जेल में खत्म हुआ। वही पुलिस और जेल प्रशासन का कहना है कि धर्मेंद्र पटेल की तबीयत जेल में खराब हुई थी, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई है। हाँ जी, यहाँ पर एक विचाराधीन कैदी धर्मेंद्र सन ऑफ राम सहारे, तो वो नवंबर 2020 से यहाँ पर 376 मामले पे विचाराधीन था। उसकी वैसे रूटीन चेकअप भी होता था, इससे पहले भी एडमिट था, पर 17 तारीख को शाम लगभग 4 बजे उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने उसे सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया, जिसे उसे 5:30 बजे तक करीब यहाँ भेजा गया, और उपचार के दौरान उसकी